नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑन एलटीसी, मतलब कि लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स एज पर 7 CPC। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ओएस, एए मतलब कि ऑडिट असिस्टेंट, यूडीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एलडी, एलडीसी। नवोदय विद्यालय ने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिसेंटली वैकेंसी निकाली है, साथ में ही लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव वैकेंसी निकाली है। तो ये क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए सर्विस रूल्स, साथ में एकेडमिक पार्ट और जनरल पार्ट है वो भी लेकर के आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 61 आर द इंसिडेंटल एक्सपेंसेज इनकर्ड ड्यूरिंग एलटीसी एडमिजिबल फॉर रिमबर्समेंट, मतलब क्या एलटीसी के दौरान किए गए आकस्मिक खर्च प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य हैं या नहीं है। ऑप्शंस आर ए एडमिजिबल फॉर रिमबर्समेंट, बी नॉट एडमिजिबल फॉर रिमबर्समेंट, सी विद द सैंक्शन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, डी नन ऑफ दी अबो। करेक्ट आंसर इज बी, नॉट एडमिजिबल फॉर रिमबर्समेंट। मतलब कि जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेज होते हैं एलटीसी के टाइम पर वो रिमबर्सिबल नहीं होंगे। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62, वेदर रिमबर्समेंट ऑफ फेयर्स इज परमिजिबल इन केसेस वेयर एन एम्प्लॉई ट्रेवल्स बाई ए लॉन्गर रूट और ब्रेक्स द जर्नी, क्या उन मामलों में किराए की प्रतिपूर्ति की अनुमति है जहां कोई कर्मचारी लंबे मार्ग से यात्रा करता है या यात्रा को बीच में रोककर एलटीसी पूर्ण करता है, तो क्या ये रिमबर्सिबल होगा फेयर। ऑप्शन देख लेते हैं। ए एक्चुअल एक्सपेंसेज इनकर्ड इज रिमबर्सेबल, बी नो रिमबर्समेंट विल बी परमिजिबल, सी रिमबर्समेंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द शॉर्टेस्ट और द चीपेस्ट रूट, डी विद द स्पेशल सेंक्शन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, रिमबर्सिबल विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट रूट, मतलब कि रिमबर्समेंट है वो शॉर्टेस्ट रूट और चीपेस्ट रूट के लिए एडमिजिबल होगा, मान्य होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63, कैन ऑल इंडिया एलटीसी बी अवेल्ड इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांसफर और ट्यूर, क्या स्थानांतरण और दौरे के संयोजन में अखिल भारतीय एलटीसी का लाभ उठाया जा सकता है या नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए नो, बी एट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सी यस, डी नन ऑफ दी अबव। मतलब कि स्थानांतरण या दौरे के साथ में आप ऑल इंडिया एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। आपका मान लीजिए ट्रांसफर हुआ है या टूर कर रहे हैं तो एलटीसी भी उसके साथ में कंबाइन कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। 64, वेदर एंटाइटल्ड ऑफिसर्स कैन ट्रेवल बाई प्राइवेट एयरलाइंस टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स, मतलब कि क्या हकदार अधिकारी निजी एयरलाइनों द्वारा अपने मुख्यालय से जम्मू कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए यस, बी नो, सी एट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डी नन ऑफ दी अबो। करेक्ट ऑप्शन इज ए यस। अगर कोई अधिकारी एंटाइटल्ड है एयर ट्रेवल के, एयर फेयर के एंटाइटल्ड है, तो वो प्राइवेट एयरलाइंस का यूज कर सकता है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा कर रहा है। और आपको मालूम है जे एंड के एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन है, एलटीसी के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, इसलिए वो हकदार होगा, मतलब कि वो यात्रा कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेवल्ड बाई हेलीकॉप्टर ऑन एलटीसी स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक सरकारी कर्मचारी ने एलटीसी पर हेलीकॉप्टर से यात्रा की, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विकल्प में कौन सा सही है, क्योंकि एलटीसी के टाइम पर वो हेलीकॉप्टर का यूज कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैन ट्रेवल बाई हेलीकॉप्टर, बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैन ट्रेवल बाई हेलीकॉप्टर विद द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैन ट्रेवल बाई पैसेंजर प्लेन ओनली, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज सी।
ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैन ट्रेवल बाई पैसेंजर प्लेन ओनली, मतलब कि एक एंटाइटल्ड ऑफिसर है वो पैसेंजर प्लेन है उसका यूज कर सकता है, गवर्नमेंट एयरलाइन है तो उससे वो यात्रा कर सकते हैं एलटीसी के टाइम पर, परंतु हेलीकॉप्टर है वो एडमिजिबल नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर्स ट्रेवल बाई एयर ऑन एलटीसी, एलटीसी पर हवाई यात्रा करने वाले गैर हकदार अधिकारियों के संबंध में प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य है? अगर वो नॉन एंटाइटल्ड है, वो एयर फेयर के लिए एंटाइटल नहीं है परंतु वो यात्रा कर रहा है एयर ट्रेवल के द्वारा यात्रा कर रहा है एलटीसी के टाइम पर, तो क्या मिलेगा उसको? ऑप्शन देख लेते हैं, ए एक्चुअल एयर फेयर, बी एलटीसी एटी फेयर ऑफ इंडिया, सी एंटाइटल्ड क्लास ऑफ रेल फेयर, डी नन ऑफ दी अबो। करेक्ट आंसर इज सी, एंटाइटल्ड क्लास ऑफ रेल फेयर। जो भी उसका एंटाइटलमेंट रेल फेयर के लिए होगा वो मिलेगा, मतलब कि एयरलाइन में जो पेमेंट किया गया है वो नहीं मिलेगा उसको, एयरलाइन से उसने यात्रा की है क्योंकि उसके लिए वो हकदार नहीं है, तो जो फेयर लगेगा उसमें से माइनस हो जाएगा, रेल फेयर वो रिम्बर्समेंट होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 68, व्हाट इज द अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ एलटीसी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटाइटल्ड ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज ट्रेवलिंग बाई एनी प्राइवेट एयरलाइंस, किसी भी निजी एयरलाइन द्वारा यात्रा करने वाले हकदार अधिकारियों और उनके परिवार के संबंध में एलटीसी दावे की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य राशि क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एयर फेयर, बी एलटीसी एटी फेयर ऑफ इंडिया, सी प्रिवेलिंग फेयर ऑन द डेट ऑफ बुकिंग ऑफ एलटीसी, डी नन ऑफ दी अबो। करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दी अबो। कंडीशन यहां पर देख लेते हैं, एंटाइटल्ड ऑफिसर हैं वो यात्रा कर सकते थे एयरलाइन के द्वारा, वो यात्रा कर सकते थे परंतु वहां पर वो प्राइवेट एयरलाइन का यूज कर रहे हैं, और एलटीसी में ये बताया गया है कि प्राइवेट एयरलाइन का यूज कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए किया जा सकता है, सभी जगह पर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं बताया गया, एरिया नहीं बताया गया है, तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट एयरलाइन के द्वारा ही यात्रा करेंगे तो रिम्बर्समेंट मिलेगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर ट्रेवल इज एडमिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटाइटल्ड ऑफिसर्स टू ट्रेवल ऑन एलटीसी बाय एयर फॉर स्टेशंस कनेक्टेड बाय एयर इंडिया, एयर इंडिया से जुड़े स्टेशनों के लिए एलटीसी पर हवाई यात्रा करने के हकदार अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी हवाई यात्रा स्वीकार है? एयर इंडिया के द्वारा जुड़े हुए दो स्टेशन है तो वहां पर एयर इंडिया की फैसिलिटी उनको अवेलेबल है, तो कौन सी सिचुएशन में लाभ उठा सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, ए बाई एनी प्राइवेट एयरलाइंस, बी बाई हेलीकॉप्टर, सी बाई बोथ प्राइवेट एयरलाइंस एंड एयर इंडिया, डी बाई एयर इंडिया ओनली। करेक्ट ऑप्शन इज डी, बाई एयर इंडिया ओनली, क्योंकि वो एंटाइटल्ड ऑफिसर है तो एयर इंडिया के द्वारा यात्रा कर सकते हैं, प्राइवेट एयरलाइन के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, एयर इंडिया के द्वारा यात्रा करेंगे तो मिलेगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70, बाई विच मोड कैन एयर टिकट्स बी परचेज्ड फॉर ट्रेवल ऑन एलटीसी, एलटीसी पर यात्रा के लिए हवाई टिकट किस माध्यम से खरीदा जा सकता है? ऑप्शंस आर ए बाई प्राइवेट एजेंसीज, बी थ्रू इंटरनेट, ऑब्लिक इंडियन एयरलाइंस डायरेक्टली, ऑब्लिक ऑथराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स, सी बाई स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, डी इन मेक माई ट्रिप। करेक्ट ऑप्शन इज बी, थ्रू इंटरनेट, इंडियन एयरलाइंस डायरेक्टली, ऑब्लिक ऑथराइज ट्रेवल एजेंट, यहीं से वो खरीद सकते हैं, दूसरे माध्यम से खरीदेंगे तो रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। अगर एयर टिकट खरीदना चाह रहे हैं तो इंटरनेट के द्वारा जो गवर्नमेंट एजेंसी है वहां से खरीदे जा सकते हैं, इंडियन एयरलाइंस से डायरेक्टली काउंटर से भी खरीदे जा सकते हैं और ऑथराइज ट्रेवल एजेंट से भी खरीदे जा सकते हैं। और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने एलटीसी के लिए कौन से ऑथराइज एजेंसीज बनाई हुई है, आपका कमेंट आ जाना चाहिए, कौन कौन सी ऑथराइज एजेंसीज हैं जिनसे टिकट खरीदने पर रिम्बर्समेंट मिलेगा, आपके कमेंट यहाँ पर आ जाना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम इज एडमिजिबल फॉर ट्रेवल ऑन एलटीसी बाय एयर, एलटीसी पर हवाई यात्रा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दावा स्वीकार्य है? ऑप्शन आर ए डेली अलाउंस एंड एयर फेयर टिकट, बी
incidental expenses and airfare ticket, C, LTCAT fare of Air India, D, expenditure on local journeys and airfare ticket. Correct option is C, LTCAT fare of Air India. मतलब कि LTCAT फेयर में स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं, तो अगर आप एयर ट्रेवल करना चाहते हैं LTCAT के तहत आपको टिकट लेना होगा. सही उत्तर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट विल बी द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेन फेयर इन द कंसेशन ऑफ एयर जर्नी बाय नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर्स हैविंग कंसेशनल ट्रेन फेयर फॉर हिज फैमिली मेंबर्स. मतलब कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए रियायती ट्रेन किराए वाले गैर हकदार अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा के मामले में ट्रेन किराए पर क्या प्रतिबंध होगा. ऑप्शन आर ए 75% ऑफ ट्रेन फेयर, बी एक्चुअल कंसेशनल ट्रेन फेयर, सी 50% ऑफ ट्रेन फेयर, डी इफ फुल एयर फेयर हैज बीन चार्ज्ड एंड पेड देन फुल ट्रेन फेयर विल बी रिम्बर्स्ड. करेक्ट ऑप्शन इज डी, इफ फुल एयर फेयर हैज बीन चार्ज्ड एंड पेड then full train fare will be reimbursed. मतलब कि आप इसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं, नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर हैं और वो यात्रा कर रहे हैं एयर जर्नी के द्वारा, परंतु उनके फैमिली मेंबर के पास में कंसेशनल टिकट है, मतलब कि रियायती ट्रेन किराए वाले टिकट उनके पास में है, तो क्या एयर ट्रेवल के द्वारा यात्रा करने पर उसका रिम्बर्समेंट होगा. यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी, एयर ट्रेवल के लिए फुल एयर फेयर पेड किया है तो ट्रेन का कंसेशनल टिकट के बजाय उसको फुल ट्रेन फेयर है वो रिम्बर्स होगा. सही उत्तर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 73, वेदर ट्रेवल बाई एयर इज परमिटेड बिटवीन प्लेसेज नॉट कनेक्टेड बाई रेल एंड एन अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रेवल इज इधर नॉट अवेलेबल और इज मोर एक्सपेंसिव. क्या रेल से नहीं जुड़े स्थानों के बीच हवाई यात्रा की अनुमति है और यात्रा का एक वैकल्पिक साधन या तो उपलब्ध नहीं है या अधिक महंगा है, तो ये परमिटेबल है या नहीं है. ऑप्शन देख लेते हैं, ए परमिटेड, बी नॉट परमिटेड, सी रेस्ट्रिक्टेड टू रोड माइलेज, डी नन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज ए परमिटेड. यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि जो प्लेसेस वो विजिट कर रहे हैं वो रेल के द्वारा कनेक्ट नहीं है और साथ में अल्टरनेटिव मीन वहां पर अवेलेबल नहीं है या वो महंगे हैं, तो एयर ट्रेवल है वो परमिटेड होगा. सही उत्तर हो जाएगा ए. अगला सवाल 74, वेदर ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ईच मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज परमिटेड टू विजिट डिफरेंट प्लेसेज ऑफ देयर चॉइस ड्यूरिंग ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स. बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, क्या एक सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को 4 साल के ब्लॉक के दौरान अपनी पसंद के विभिन्न स्थानों पर जाने की अनुमति है या नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग जाना चाहते हैं और वो 4 साल के ब्लॉक में अलग अलग स्थानों को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, तो ये परमिसेबल है या नहीं है. ऑप्शन देख लेते हैं, ए परमिटेड, बी नॉट परमिटेड, सी फैमिली शुड विजिट सेम प्लेस एज गवर्नमेंट सर्वेंट, डी गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली मस्ट ट्रेवल टुगेदर टू सेम प्लेस. करेक्ट ऑप्शन इज ए परमिटेड. वो अलग अलग स्थानों पर जा सकते हैं, अलग अलग समय पर भी जा सकते हैं, क्योंकि 4 साल का ब्लॉक है, परंतु उनके जो यात्रा है जर्नी है उसके बीच का जो समय है वो आप कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि उनके दोनों के जर्नी है वो कितने दिनों के अंदर कंप्लीट होने चाहिए, उनके दोनों बैच है वो कितने दिनों के अंदर ट्रेवल है वो कंप्लीट करने चाहिए. तो सही उत्तर यहां पर हो रहा ए. क्वेश्चन नंबर 75, हाउ इज द कैरी ओवर ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउड. अवकाश यात्रा रियायत को कैरी ओवर करने की अनुमति कैसे दी जाती है. ऑप्शन आर ए विद इन द सेकेंड ईयर ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स और 4 ईयर्स, बी कैरी ओवर ऑफ LTC इज नॉट अलाउड, सी विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स और 4 ईयर्स, डी कैरी ओवर ऑफ LTC इज ऑलवेज अलाउड. करेक्ट ऑप्शन इज सी, विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स और 4 ईयर्स. मतलब कि 2 साल का ब्लॉक है तो पहले साल में उसको कैरी ओवर किया जा सकता है, फर्स्ट ईयर में कैरी ओवर किया जा सकता है, और अगर 4 साल का ब्लॉक है तो भी पहले साल में कैरी ओवर कर सकता है. तो सही उत्तर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 76, वेदर सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन अवेल कंसेशन टू होम टाउन व्हाइल सम अदर्स फॉर विजिटिंग एनीवेयर इन इंडिया इन द सेम 2 ईयर ब्लॉक.
क्या परिवार के कुछ सदस्य होम टाउन के लिए यात्रा रियायत प्राप्त कर सकते हैं जबकि कुछ अन्य समान 2 साल के ब्लॉक में भारत में कहीं भी मतलब ऑल इंडिया यात्रा करना चाहते हैं जाने के लिए यात्रा रियायत का लाभ उठा सकते हैं? तो सही यहाँ पर क्या विकल्प होगा, विकल्प देख लेते हैं। नो, बी यस सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सी यस, डी फैमिली मेंबर्स मस्ट अवेल द सेम LTC एज गवर्नमेंट सर्वेंट। करेक्ट ऑप्शन इज सी यस, वो कर सकते हैं ऐसा। कुछ मेंबर्स हैं वो होम टाउन की यात्रा कर सकते हैं और कुछ मेंबर्स हैं वो अखिल भारतीय यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो सही उत्तर यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली अवेल LTC इन डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग ए ब्लॉक ऑफ 2 और 4 ईयर्स? क्या कोई सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य 2 या 4 साल के ब्लॉक के दौरान अलग अलग समूहों में अलग अलग समय पर LTC का लाभ उठा सकते हैं या नहीं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए नो, बी यस, सी अलाउड ओनली फॉर 4 ईयर ब्लॉक, डी अलाउड ओनली फॉर 2 ईयर ब्लॉक। करेक्ट ऑप्शन इज बी यस, परमिजेबल है, वो अलग अलग समूह में और अलग अलग समय पर यात्रा कर सकते हैं LTC के लिए, चाहे तो 2 साल का ब्लॉक है या 4 साल का ब्लॉक है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ LTC टू फ्रेश रिक्रूट्स इन द फर्स्ट 8 ईयर्स ऑफ सर्विस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। सेवा के पहले 8 वर्षों में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को LTC की क्या पात्रता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए टू ओकेजन्स टू होम टाउन, थर्ड एंड फोर्थ ओकेजन टू एनीवेयर इन इंडिया इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, बी थ्री ओकेजन्स टू एनीवेयर इन इंडिया एंड फोर्थ ओकेजन टू होम टाउन इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, सी थ्री ओकेजन्स टू होम टाउन एंड फोर्थ ओकेजन टू एनीवेयर इन इंडिया इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, डी फर्स्ट 4 ओकेजन्स टू होम टाउन एंड द नेक्स्ट 4 ओकेजन्स टू एनीवेयर इन इंडिया इन ए ब्लॉक ऑफ 8 ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी, थ्री ओकेजन्स टू होम टाउन एंड फोर्थ ओकेजन टू एनीवेयर इन इंडिया इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। मतलब कि 3 साल वो लगातार अपने होम टाउन जा सकता है, हर साल होम टाउन जा सकता है, और चौथे ओकेजन पर मतलब चौथे साल में वो एनीवेयर इंडिया मतलब अखिल भारतीय यात्रा वो कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ LTC टू होम टाउन टू अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट्स? अविवाहित सरकारी सेवकों को गृह नगर के लिए LTC की पात्रता क्या है? ऑप्शंस आर ए वंस इन 2 ईयर्स, बी एवरी ईयर, सी अल्टरनेटिव ईयर्स, डी वंस इन 3 ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी एवरी ईयर, अगर अविवाहित कर्मचारी है तो उसके लिए हर साल LTC का फायदा मिलेगा, वो हर साल होम टाउन की यात्रा कर सकता है। और इससे पहले वाले कंडीशन में हमने देखा कि 3 साल लगातार वो अपनी होम टाउन यात्रा कर सकता है और चौथे साल में एनीवेयर यात्रा कर सकता है, और इस तरीके से वो 4 साल के 2 ब्लॉक के लिए कर सकता है, मतलब कि वो 8 साल तक ऐसा कर सकता है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन है 80, इज देयर एनी डिस्टेंस लिमिट फ्रॉम हेडक्वार्टर टू होम टाउन ऑब्लिक प्लेस ऑफ विजिट ऑन LTC? क्या LTC पर मुख्यालय से गृह नगर या यात्रा के स्थान की कोई दूरी सीमा है? कहीं पर भी वो यात्रा करना चाहता है तो डिस्टेंस लिमिट लागू की गई है या नहीं की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए विद इन 1000 किलोमीटर, बी विद इन 5000 किलोमीटर, सी विद इन 3000 किलोमीटर, डी नो लिमिट। करेक्ट ऑप्शन इज डी नो लिमिट, LTC के लिए कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, वो कितनी भी दूरी पर यात्रा कर सकता है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी। इस तरीके से डियर फ्रेंड्स, T20 के 20 क्वेश्चन हैं, हमने LTC रूल्स पर कंप्लीट कर लिए। आपके सिलेबस में LTC रूल्स पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो पूछे जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ DC, AC, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, SO, ASO, OS, ऑडिट असिस्टेंट, UDC एंड इसी तरीके के एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन NVS, KVS, EMRS, NCT, LDE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे सर्विस रूल्स और साथ में ही एकेडमिक पार्ट और जनरल पेपर है वो भी कवर कर रहा हूँ। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।